बहन बेटी आती त्योहार बना खिल हमको त्योहार जैसी चीजें नहीं पसंद है। मिशन ऑफ चूहा पकड़ो तू तो गया बेटे फिलहाल प्रिंसिन आप फिसल गई। Hey guys, good afternoon. So, कैसे आप सब मैच करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 2:10 और कहाँ हो गए बेटी? हाँ बेटा चल रहे सो मम्मी जा रहे हैं उनके भाई के घर राखी बांधने के लिए। सो अभी जा रहे हैं मम्मी के भाई के घर राखी बांधने। भाई बनाया है उनके घर मम्मी को लेकर जा रही हूँ। देखते हैं कितनी बजे तक आना होता है। और एक और ना सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को अब गाड़ी पे। काना ना गाड़ी अंदर रखता है स्कूटी, तो स्कूटी की चाबी ना ऐसी चालू छोड़ दी तो उसकी पूरी बैटरी डाउन हो गई, तो सेल्फ से चल ही नहीं रही है। जब भी चलाओ किक लगाओ, हम मेरे से कभी लग जाती है कभी लगती नहीं है किक। ये बात है कहीं भी ले जाओ किक लगाओ 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 नहीं लगती, फिर किसी से हेल्प लो अच्छा नहीं लगता। फिर सब यही बोलते कि नहीं चलाते थे फिर क्यों चलाते हो गाड़ी, सेल्फ रहता तो चला लेते यार। पर वो क्या बोलना अब दिमाग खराब है। वो बोले चले चले चार्जिंग हो जाए, चले चले भी चार्ज नहीं हो रही है वो भी। चलो अभी तो मम्मी को लेके मैं जाती हूँ। मम्मी ने प्रिंसिपल घर से कभी जल्दी आना हुआ तो फिर मैं और दीदी हम जाएंगे, हम दीदी को मार्केट लेके मैं और दीदी हम दोनों जन जाएंगे प्रिंसी और माधव को घर छोड़ के। माधव की ड्रेस लानी है और दीदी को कुछ सामान लाना है अगर जल्दी आना हो गया तो। तो नानी अभी चुचू तलने तो ये ना आ लिए ना, फिर नानी तो लेते चले ना। आज उसे इतनी धूप नहीं है, अपन की दाली उधर नीते है बेटा। आप दीदी को मारते क्यों? आपकी बहन है ना, आपको राखी बांधी थी ना। फिर कहाँ है आपकी राखी? तोड़ दिया आपने, क्यों तोड़ी? देखो इसके हाथ में राखी एक भी नहीं दिखेगी। राखी दी थी रक्षाबंधन जैसा कोई फेस्टिवल में, दोनों हाथों में राखी हुई। नहीं तोड़ना बेटा, आपने भी निकाल दिया। आप भी बेटा कम नहीं हो, इनको ना अच्छी नहीं लगती, थोड़ी गीली हुई की निकाल देते। जैसे मेरे हाथ में दो बंदी है, भाभी ने बांधी थी वो वाली मैंने निकाल दी। हाँ सूरज भी आ जाएगा, काना का कोई फिक्स नहीं है। हाँ मम्मी हाँ चल बेटा। माधव आप नहीं है ना। इस अभी टाइम हो रहा है 4:30 सुबह से, शूट नहीं किया था, कब किया था जब जा रहे थे तब और आए हैं तब वापस शूट कर। मम्मी को लेके दीदी को लेके जाना है। अब दीदी आलसी कर रही है, बोले मैं नहीं जाती क्योंकि उसका भाई सोया तो वो भी सो गई, अब आलसी कर रही हूँ। फिर बाद में और बोलेगी कि उनको तो लेके गई नहीं तू, उसको बोल रही उठ जा मत आलसी करे, मेरी बहनों को छोड़ दूंगी, तेरे भैया को भी छोड़ जा। उसको बोल रही उसके भैया को भी छोड़ दे, चल दे नहीं बोल रही हूँ तो शाम को फिर कहीं जवाता नहीं हो। मम्मी घर का भी रहता है, भी अंधेरा हो जाता मच्छर, और उस दिन हम गए थे आँख में से मच्छर आ रात में सब पूरे खरगोन वाले निकलते। बोल रही चल चल मैं उसे ले लूँ, अब थोड़ा बुट्टी खाती मेरे को ना भूख लगी, जिम में चलना चाहती सर दिख रहा है। फिर भी उसको ले जाने की रिक्स ले रही तो भी नहीं बोल, मेरे पैर में ऐसी स्वेलिंग आ गई है जैसे सूज तो सूज गए पैर। नेल पेंट लेके रखी है, फेस्टिवल जैसे जा रहे पर लगी नहीं, आज भी नहीं लगी। रक्षाबंधन निकल गए फिर भी नहीं लगी, आज का दिन भी गया अब क्या लगेगी, आलसी आ जाती लगाने में। अब खाना खाने बैठूंगी अब क्या लगूंगी, पैर इतने स्वेलिंग आ गए। उस दिन दीदी के लिए फुटवेयर लेने गए, वो मैं पहन के देखूँ जो साइज़ में पाता है 5 नंबर वो साइज़ मेरे पैर में ही नहीं आए। 6 नंबर भी नहीं पैर में आ रहा था, 2 फिट आए। तो मिला यार मतलब कहीं नहीं, मतलब पैर सूखे हुए हैं लेके कोई फ़ायदा नहीं, पावागढ़ जैसा काम हो। मस्त 7-7 नंबर की चप्पलें पहन ली यार, ये तो आई नहीं रही करके 7-7 नंबर की चप्पल ले ली। बाद में जब घर आए स्वेलिंग उतरी तब पता चला कि यार ये तो बड़ा साइज है, मम्मी पहन रही है मेरी। 7 नंबर नहीं थी तब, इतने सूज गए थे पावागढ़ गए थे तब, और अभी भी सूज गया मेरे पैर पूरे।
उधर तो चल रही है। सब सोए हैं, दीदी और वो उधर से, मैं तो पीसी के अंदर से, फिर मम्मी वाले रूम में कन्नू, गोरिल्ला और नंदी, यहाँ पलंग के भैया, इधर दादी और यहाँ दादा भी बैठे हैं। मम्मी आते से बेचारे काम पे कपड़े निकालने के, कपड़े निकालेंगे, घड़ी करेंगे, फिर मम्मी खाना बनाएंगे। बोलते क्या खाओगे, त्योहार बना के खिलाते, बोलते ना बहन बेटी आती त्योहार बना के खिला, मम्मी बोलते क्या खिलाऊ, क्या बनाओ, आलू बड़े, दाल चावल, सब्जी पूरी, पनीर, क्या खाओगे बताओ, मतलब तुम तो कहीं मत बनाओ, दाने की सब्जी और मक्की की रोटी बना लो, मस्त खा लेंगे चोर चोर के। तो मम्मी बोला तुमको ये खिलाऊंगे, मतलब हम जो खाए वो खिलाओ, अब तुम्हारा त्यौहार निकालते, मम्मी दाने की सब्जी और रोटी बनाई, और अब दादी आए हैं, दादी को तो बना खिलाना ही पड़ेगा, और अंकल की लड़की को भी, हम तो कुछ भी खा लेते, हमको त्यौहार जैसी चीज़ें नहीं पसंद है यार, ये इतना सारा सब बना लो, आलू बड़े, पनीर की सब्जी, रोटी, ये वो, हम बस मक्की की रोटी, छोटी दाल, मक्की की रोटी, चने की दाल, मक्की की रोटी, दाने की सब्जी, फिर बेसन रोटी, ऐसी चीज़ अच्छी लगती है। आज भी आलू बड़े बनेंगे, डेंगारा के बाप रे, आलू बड़े, दाल चावल, सब्जी रोटी, ये सब बनेगी, अलसी आ जाती इतना सब सुन के, भले कोई दूसरा भी बनाए, सुन के अपने को आती बाप रे, इतना सब खाना पड़ेगा। मम्मी तुम बारिश में लेके आए बच्चों का, है गाइस, तो फिलहाल हमारे यहाँ ना बारिश हो रही बहुत तेज, और अभी टाइम हो रहा है 9, एक डेढ़ घंटा हो गया बारिश होते होते, तो आजा आजा, इसको तो मुझके मन की हो जाती नहीं, पर अच्छा करो ऊपर आके थोड़ा ठंडा लग रहा है, देखो बारिश क्या हो रही है। ये तो गंदी हो गई पूरी, वही खड़ी रहे, वही खड़ी रहे, ये गाइस सब फिलहाल पिंजी में फिसल गई। हाँ जा नहा ले, अब जा पेन ले, कहाँ है तू, घूम गए सैंडी लाओ, ऐसे नहा ले, चप्पल निकाल दे बेटा, घूम गई एक चप्पल, नहा लें दो अब जरा, बस बेटा मैं नहीं नहाऊंगी, मेरे को सर्दी है, तू नहा ले, मिला उसको मम्मी, नानू पास जा, नानू देखो आ रहे, नानू की नानू दे। जाए, जाओगे? आ रहे नानू, फिर देखो छतरी दे, मिशन ऑफ चूहा पकड़ो। तुम बना क्या, चुप हो जा, तेरा मोबाइल है, देखा गिरा आधा है तो खोखियाल के अंदर घुसना, अरे 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 सीतू आ रहा है उधर, अंधे 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 पाया, ढका ढका कहीं इसके अंदर तो है नहीं, पकड़ लिया, आया आया नहीं, हाँ उसके अंदर है, कैसे
ऊपर नीचे देख सार बनी है, इनने तो सार खेलने की बनी ऊपर नीचे। तू तो गया बेटे। अब दरवाजा खोल ले। चल। एक दो तीन चार पाँच। वो तीन से घूम रहा था घर में। चल। इधर सूरज सो गया। चलो चलो। देखो इधर है कि नहीं। हे छोड़ेगा दिखेगा ना वो तो भागते हुए। हाँ यहाँ का छोड़ रहा हूँ तो भागते हुए दिखेगा। हे हे उसके अंदर ही घूम रहा। टोपली मत फेंक देना। गया सो उठा मेरा रात की एक और ना हमारे यहाँ लाइट ने क्या पता नहीं क्या है तो आ रही जा रही बार बार हो रहा है। बाहर बारिश तो और वही नहीं रही, बारिश हो रही थी तब समझ में आ रहा था कि लाइट जा रही है चलो जाने दो बारिश हो रही, बट अब तो बारिश भी नहीं हो रही, लाइट बार बार आने जा रही और हमको लगी बहुत तेज भूख। सब सो गए, मैं भैया और दीदी जगे। तो इधर मैं लेके बैठी हूँ प्याज जो कि मैं प्याज कट करूँगी और इधर दीदी टमाटर गरम कर रही क्योंकि बहुत ठंडा है। अच्छा लगेगा। हम बनाएंगे भेल, ऐसे वाले टमाटर। भूख लग रही है, खाना खाएंगे और लाइट जा रही, जी घबराएगा तो भेल खाते। फिलहाल इधर हमारी भेल बन गई, इसको मिक्स करो और चलने दो। भैया कैसे मिक्स करता पता नहीं। थाली रखे, मैं भी तो इसी करती, थाली या कटोरा कहीं रख लो अच्छे से मिक्स कर लो, हो जाती। चलो भेल खाते, भूख लग रही है और ब्लॉग यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।